Hi everyone, today I am discuss about LC oscillations over oscillations in LC circuit. LC oscillations over oscillations in LC circuit. तो देखो हम क्या करते हैं, अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज्ड करके उसमें हम क्या करते हैं नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वाले इंडक्टर को क्या करते हैं फ्लो करते हैं उसमें, तो सर्किट में इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन होने शुरू हो जाते हैं. क्या होते हैं? सर्किट में इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन शुरू होते हैं. इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन कब? जब हम किसी कैपेसिटर, इसमें क्या होंगे, दो चीजें होंगे, इंडक्टेंस और कैपेसिटर. अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं उसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वाले इंडक्टर को फ्लो करते हैं, विसर्जित करते हैं, तो सर्किट में इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन शुरू होने लगते हैं. इन ऑसिलेशन को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है? देखिए, सपोज करो नेग्लिजिबल्स क्या है, रेजिस्टेंस है आपका. सपोज ओमिक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एवं क्या है, इंडक्टेंस एल. ओमिक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस क्या, आर, और एल क्या है, इंडक्टेंस है, तथा सी क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. देखो कैसे बैटरी होगी, ये क्या है, हमें बैटरी है, ये बैटरी है, इसमें हमने एक कैपेसिटर को, ये है कैपेसिटर, और एक क्या करा, इंडक्टेंस को ऐड किया गया है, ये इंडक्टेंस है. ठीक है, यहां पर टू कीज शुरू की गई है, यहां पर क्या की गई है, दो कीज शुरू की गई है, ये है दो कीज, ये आपकी दो कीज है, ये एस है और ये ए है, ये बी है. यहाँ पर क्या है आपका, दो टू वे की एडजस्ट की गई है. इस हम बैटरी है, ये सी है और ये एल है, ये बैटरी है आपकी ई, या कुछ भी कह सकते हैं, सोर्सेज है. ठीक है, ये क्या है आपके, इस प्रकार जुड़े हैं. पहले हम स्विच एस को ए से क्या करते हैं, टर्मिनल ए से ज्वाइन करते हैं, जिससे क्या होता है आपका, ये कैपेसिटर चार्ज्ड होने लगता है. मींस सर्किट जुड़ गया है, कैपेसिटर क्या होगा आपका, चार्ज्ड होना शुरू करेगा. जब कैपेसिटर टोटली क्या होगा, चार्ज्ड हो जाता है. जब ये कैपेसिटर टोटली क्या होगा आपका, चार्ज होगा, तो क्या होगा, इस सर्किट में करंट जीरो हो जाती है. क्या होती है, करंट जीरो हो जाती है. देखो अगर हमने ये ऐड किया तो क्या हुआ, ए से टर्मिनल से ऐड किया तो क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज्ड हो गया आपका, ये कैपेसिटर चार्ज, यहां पर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये कैपेसिटर क्या हुआ आपका, चार्ज्ड हुआ. और क्या था सर्किट, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ आपका कब, जब हमने टर्मिनल ए से ऐड किया तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगता है. और इस सर्किट में जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो इस सर्किट में करंट क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है, जैसे ये लिखा है. अब देखो इसमें क्या होगा आपका, यदि हम कह रहे हैं पूरी की पूरी ये क्या होगी, चार्ज्ड होगी, तो सपोज इस कैपेसिटर पर चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, क्या है, क्यू नॉट है, तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये होती है आपकी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी. इतनी एनर्जी स्टोर होगी जब पूरी की पूरी ये कैपेसिटर क्या होगा आपका, चार्ज्ड होगा, तो इतनी एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड होगी. ठीक है, देखो नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, अगर हम स्विच को बी से कनेक्ट करते हैं, हम स्विच को बी से कनेक्ट करते हैं, जिससे कैपेसिटर क्या होगा आपका, बी से कनेक्ट करते हैं, तो इंड्यूस्ड जो कॉइल है आपकी, इंडक्टर कॉइल के कारण कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, तो इंडक्टर कॉइल है के कारण इसमें क्या होता है आपकी, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है. यानी सर्किट में क्या होती है, इस टाइप की करंट फ्लो होनी शुरू होती है. यानी कैपेसिटर क्या होगा आपका, डिस्चार्ज होगा, तो ये क्या हो गया आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती है. ठीक है, और जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. इस इंडक्टेंस के अक्रॉस क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू करेगा.
तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। देखो कैसे, जैसे ही एल को हम क्या करते हैं, एल के कारण क्या होगा, कैपेसिटर को हम इंडक्टेंस कंटेनिंग सर्किट में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो सर्किट में क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होती है आपकी करंट फ्लो होने लगती है, जैसा कि ये डायग्राम शो किया गया, जब बी को हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं। जैसे ही करंट की वैल्यू जीरो से क्या होगी, बढ़ना, पहले तो करंट जीरो है, करंट की वैल्यू जीरो से बढ़ना शुरू करेगी, जीरो से बढ़ना शुरू होता है, तो इंडक्टेंस एल जो है ये, इसके चारों ओर क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अर्थात जो इसकी थी क्या, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रिकल हाफ क्यू सी स्क्वायर जो है, ये हाफ एल आई स्क्वायर में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो जाना शुरू करती है, हाफ एल आई स्क्वायर, यानी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होने लगती है। जब तक करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब तक नहीं हो जाए, मैक्सिमम आई नॉट, जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई नॉट हो जाती है, तो कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है हाफ क्यू जीरो सी क्यू जीरो स्क्वायर अपॉन सी, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो है जब हमने स्विच टू को ऐड किया। ठीक है, ऐसी कैपेसिटर के क्या फ्लो होने के कारण आई नॉट क्या होती है आपकी, एकदम शून्य नहीं हो पाती है। जैसे हम क्या करते हैं, इसको सर्किट को जोड़ा, तो ये जल्दी ही जीरो नहीं हो पाती है, करंट क्या नहीं हो पाती है, जल्दी ही जीरो नहीं हो पाती है ये करंट। क्यों, जैसे हमने ये डिस्चार्ज होना शुरू किया, ये करंट जल्दी ही जीरो होना नहीं, जल्दी ही जीरो नहीं होती है, क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंडक्टेंस कॉइल है, इसका अपोज करती है, हम इंडक्शन पढ़ा था ना सर, तो इंडक्शन क्या होता है, इस करंट का अपोज करते हैं, इसको बनाए रखते हैं। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन के कारण कुछ समय तक इसकी करंट घटती हुई यानी डिक्रीज होती हुई फ्लो होती है, तथा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, यहां पर कम होते जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड कम होने के कारण, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होने के कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा। तो लेंज रूल से क्या होगा, इसी लेंज रूल से करंट उसी दिशा में फ्लो होती है जिसमें क्या, कैपेसिटर के विपरीत यानी कैपेसिटर के अपोजिट जो आवेश है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। देखो ये किस टाइप से बनता है, ये यहां पर नेगेटिव टर्मिनल आ जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आता है, ये किसके कारण, दोबारा चार्ज हो जाती है, क्या होती है, दोबारा चार्ज हो जाती है एल। देखो यानी लेंज रूल से हम करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है जिसमें कैपेसिटर में जो चार्ज जो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, इसके बाद दोबारा चार्ज होना शुरू कर देता है, यानी कैपेसिटर में ये दोबारा चार्ज शुरू होगा, तो इस प्रकार इंडक्टेंस की मैग्नेटिक एनर्जी फिर कहाँ कन्वर्ट होती है, फिर ये एल हाफ एल आई स्क्वायर कन्वर्ट हो जाती है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपन सी में, क्या होती है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपन सी में। तो यहां क्या होता है आपका, ये कैपेसिटर आपके क्या, कैपेसिटर ये रिपीट होते जाते हैं, और क्या करते हैं ये कैपेसिटर, फिर क्या करते हैं, दोबारा रिपीट होते रहते हैं, ऐसी कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है आपकी, और इसको रिपीट करते रहता है। इस प्रकार एलसी सर्किट में इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन शुरू हो गए, एक बार क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो है आपकी क्या, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, यानी मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसकी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी दूसरी कंडीशंस में क्या, संपूर्ण क्या, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, शेष अलग अलग कंडीशंस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखो इसके ऑसिलेशंस की बात करते हैं, ऑसिलेशन
अभी कर रहे हैं ट्रीटमेंट एलसी ऑसिलेशन। हाँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है। देखो इसके ऑसिलेशन एलसी सर्किट में जो ऑसिलेशन होते हैं आपके ना, ये एलसी सर्किट है उसमें ऑसिलेशंस, जो कैपेसिटर है आपका एलसी सर्किट है उसमें ऑसिलेशन कैसे होंगे आपके, ठीक है, उसमें ऑसिलेशन कैपेसिटर की कैपेसिटी सी तथा इंडक्टेंस एल के वैल्यू पर, सी और एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। यदि सर्किट में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो तो उसमें उस सर्किट में इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एलसी होगी, ठीक है। तो आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें ओमिक रेजिस्टेंस जीरो होने पर, आइडियल कंडीशन जब ओमिक रेजिस्टेंस जीरो है, आर क्या होगा, जीरो होने पर, आर जीरो होने पर क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस का, क्या इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर आर जीरो है तो इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड, यानी ये ऑसिलेट कब तक करते रहेंगे, ये इनफाइनाइट टाइम तक क्या करते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे आर जीरो है तो ये क्या करते हैं, रुकते ही नहीं है, ये एम्पलीट्यूड इस टाइप से होता है। ये अगर आइडियल कंडीशन में आर जीरो होता है, हालांकि व्यवहार में नहीं होता है, तो ये क्या होता है, ऐसे चलते रहते हैं सेम मैग्नीट्यूड में, ये रुकते ही नहीं है, कब, जब क्या, जब ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है और ये क्या है आपका, यहां की ओर टाइम है, ये चलते रहते हैं आपके एम्पलीट्यूड और टाइम, कब, जब आर नेग्लिजिबल हो तो इस दौरान इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इनफाइनाइट टाइम इंटरवल तक क्या करते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं, ठीक है। ऐसा व्यवहार में होता नहीं है क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस होता ही है, तो प्रत्येक ऑसिलेशन में कुछ ना कुछ एनर्जी के रूप में क्या होती है आपकी, स्पेंट होती है, जिससे इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन शुरू होते हैं आपके, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं आपके, अनडैम्ड ऑसिलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, अनडैम्ड ऑसिलेशन, कब, जब रेजिस्टेंस जीरो होता है आइडियल कंडीशन में, अनडैम्ड ऑसिलेशन कहलाएंगे। इसके उल्टा अगर इसमें रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, जिसमें एम्पलीट्यूड, अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसमें एम्पलीट्यूड घटते रहेगा आपका, ये एम्पलीट्यूड पहले इतना है, फिर और कम होते 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 ये बहुत छोटा हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है तो ये क्या होंगे आपके, ये कम होते होते जीरो हो जाएंगे आपके, इसके एम्पलीट्यूड क्या हो गए, जीरो हो जाएंगे टी, और ये एम्पलीट्यूड आपके ऐसे ग्राफ, इसे हम कहेंगे डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। यानी किस पर डिपेंड कर रही है आपकी, आर पर, आर जीरो है तो उस टाइम ही ऑसिलेट करते रहेंगे, जिसे हम अनडैम्ड ऑसिलेशन कहेंगे, अगर आर नेग्लिजिबल नहीं तो ये क्या करेंगे, ऑसिलेट करते रहेंगे, अनडैम्ड और डैम्ड ऑसिलेशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। अब देखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स क्या होगा इसका, कैसा मोशन करते हैं, डैम्ड अनडैम्ड क्या होता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो ये क्या करती है आपके, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करती है, ठीक है। हमने सर्किट बनाया था, क्या ये सर्किट था, जनरल सर्किट यूज कर दे रहा हूं, ये सी है, इसको हमने किसी इंडक्टेंस से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, ये सी है, ये एल है, करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसके चारों ओर क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों, ये कैपेसिटर क्या होगा, पहले चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस कैपेसिटर रिपीट करते रहेगा, एनर्जी टेकन वन फ्रॉम सोर्स टू कीप टू ऑसिलेटिंग बिटवीन सी एंड डी, किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं हम इसमें, क्या करेंगे, किरचॉफ्स रूल, करंट ऐसी फ्लो हो रही है, किरचॉफ रूल यूज करते हैं, तो क्या होगा आपका, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, आई करंट फ्लो हो रही है, देखो हम ऐसे आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, अप्लाई अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। देखो अब देखो आपका क्या होता है, Q upon C इज इक्वल टू V होता है। Q upon C इज इक्वल टू क्या होता है, V या Q इक्वल टू C इनटू V होता है। तो देखो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, यानी सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल होगा आपका क्या, यहां पर पोटेंशियल आपका होगा Q upon C, क्या होगा Q upon C। तो यहां पर L into di upon dt, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा है? देखो L क्या है, रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल टू I इंटू आर से L क्या है, रेजिस्टेंस है, R की जगह हम L रखेंगे L, और यहां पर करंट चेंज हो रही है I इक्वल टू di अपॉन dt। तो V इज इक्वल टू L इंटू, ये देखो L इंटू di अपॉन dt, ये क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्यू इंक्रीज हो रहा है तो आई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्यू इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शंस में है, तो ये साइन नेगेटिव आएगा, इसका सम जीरो होगा, ठीक है। इसको इक्वेशंस वन कह दिया हमने। यहां पर आई इक्वल टू क्या था, आई इज इक्वल टू सिंस बट I इज इक्वल टू माइनस dQ upon dt, ठीक है। यहां से di/dt लिख सकते हैं, di/dt दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस d²Q/ क्या आएगा, dt² माइनस d²Q/dt², ठीक है, dt². तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पर आपका Q डिक्रीज हो रहा है तो I इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों की वैल्यू कहां पर रख देते हैं, यानी di/dt की वैल्यू यहां पर रख देता हूं मैं, क्या होगा di/dt की वैल्यू माइनस dQ²/dt². और देखो इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं, देखो di/dt की जगह हम माइनस लिखते हैं तो प्लस हो जाएगा Q, Q/C की जगह हम क्या रख सकते हैं, C की जगह हम क्या रखेंगे, क्या रख सकते हैं Q/C की, पहले मैं इस टर्म्स को लिख दे रहा हूं, क्या L इंटू di/dt की जगह हम रख देते हैं L into d²Q/dt² प्लस, इसको पहले लिख दिया मैंने इस टर्म्स को, प्लस क्या होगा, क्या लिख सकते हैं यहां पर, dQ/dt² प्लस Q/C इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो एल को हटा देते हैं हम, यहां पर एल से हटाते हैं, ये आएगा d²Q/dt², ये एल हटा के कॉमन लेके हम वहां भेज देते हैं, प्लस Q/LC प्लस Q/LC इज इक्वल टू क्या आया, जीरो आई। ये इक्वेशन बनती है आपकी, देखो ये इक्वेशंस Q/LC कंपेयर द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर इस इक्वेशंस को सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करते हैं, यानी अगर इसी इक्वेशंस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस मैं लिख देता हूं, d2 x upon dt प्लस ये क्या आएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होती है, क्लास लेंथ में पढ़ चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस होती हैं जहां पर ओमेगा नॉट क्या होता है, 1/√LC की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो एक जैसी इक्वेशन आ रही है, तो जो ऑसिलेशन होता है इंडक्टेंस कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट में, वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ये प्रूफ ये करता है कि ऑसिलेशन कैसे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। तो यहां पर हम देयरफॉर चार जो ऑसिलेशन थे, फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π(ν) होता है, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π होता है, तो यहां से भी लिख सकते हैं,
जिसको हमने एफ लिखा है, या इसको हम और एफ भी लिख सकते हैं, न्यू की जगह एफ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा नॉट की वैल्यू रख सकते हैं तो क्या आएगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ये क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी एल सी ऑसिलेशन की, ठीक है। डैम्ड और अनडैम्ड ऑसिलेशन करते हैं, या इस इक्वेशन से क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो एलसी ऑसिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, जिसे हम डैम्ड अनडैम्ड ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका एलसी ऑसिलेशन।